मेरा नाम आरुषा, मैं यूनिफॉर्म नहीं डाल के गया था स्कूल में क्योंकि मैं बीमार था। और मैंने मम्मी पापा ने बताया भी था कि उधर स्कूल में कि मुझे सफोकेशन होती है यूनिफॉर्म डाल के। मैम ने बोला, सर को जो अभी आए उनको बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं तभी नहीं डाल के आया। वो वाले सर ने मुझे स्टैंड किया, बोला कि बाकी बच्चे नहीं डाल के आए, उन्होंने ऐसे मेरी मरोड़ के इधर ये वाली जगह पे ऐसे पंच मारा। फिर मैं घर आके मैंने बताया, अब तो चलो डॉक्टर के पास गए थे तो अब थोड़ा ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगे मुझे और यूनिफॉर्म नहीं डाल के गया था। आपने कहा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं आपने बोला था पहले मोल्ड किया फिर आपको पंच किया जे वाली जे इधर जा रहे थे सब बच्चे जा रहे थे। प्रिंसिपल, ये आपके प्रिंसिपल हैं बेटा, तो आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बड़े प्यार से इनको एक चाटा मारा था यहाँ पे, धीरे से चाटा नहीं मारा था, चांटा मारा था, इधर निशान पड़ने थे, इधर है ही नहीं कुछ, लगी इधर हुई है। यहाँ कैसे लगी फिर? वो कह रहे हैं मैंने यहाँ मारा ही तो लगी इधर है। कैसे मारा था बताएं जरा, जा ऐसे बहुत जोर से मारा, ऐसे करके मारा। चलो ठीक है, ठीक है जो कह रहा है ठीक है। अब देखो मैंने जो मैंने किया, आपने इसके कान पकड़ा था और यहाँ प्यार से ऐसे किया, मुझे पता था कि ये बच्चा बीमार है, इसको कहना नहीं कुछ भी, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे कल यूनिफॉर्म डाल के आना। बच्चा आपके सामने है और आप और बच्चे ने तो वही कहना जो घर वालों ने कहा, पूरे कर रहे हैं ठीक है सर। ऐसा बच्चा नहीं पूरे, देखो नहीं आप हमारे बच्चे नहीं हैं, आपको आप क्लास में भेजते आप पूछ लेते वहाँ जाकर, आप बच्चे नहीं है तो चीज़ है ना फ्रैक्चर ठीक है। यदि आप इसको कान पकड़ना और यहाँ मारने के लिए कहते हैं मारा तो इसी पर जी। क्या हुआ था सर उस दिन बच्चे की जो शिकायत है जो बताया गया है कि उस बच्चे को हिट किया? अब मेरी बात सुनिए, मैं राउंड करने गया था ठीक है, जब इनके क्लास में पहुंचा तो टीचर थी इनके क्लास में, तो मैंने बोला इनको एग्ज़ाम चल रहे थे रोल नंबर वाइज बिठाया हुआ है, तो वो कहती बिठाया हुआ है। जब मैंने बोला कि रोल नंबर ये करने रोल नंबर की वाइज चलने लगी तो इसका रोल नंबर जो था वो नहीं था। फिर मैंने मैडम को पूछा इसको यहाँ क्यों बैठाया हुआ है? उसने कहा कि इसको सफोकेशन होती है, इसलिए खिड़की के पास बिठाया हुआ होगी बात। फिर मेरे को बोला आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं डाली हुई? यूनिफॉर्म नहीं डाली थी। मैंने कहा यूनिफॉर्म क्यों नहीं डाली हुई? उन्हें लड़का कुछ नहीं बोला ठीक है ना, मुझे पता था कि लड़का बीमार है, कुछ नहीं बोला। मैंने उसको ऐसे काम से पकड़ा और यहाँ कहा बच्चे कल से यूनिफॉर्म डाल के आना, बस ये बात है और कोई बात नहीं। लेकिन वो बच्चा यहीं पर बैठा, अभी बात हुई है, उसने कहा कि मुझे पंच किया सर ने जिसके बाद मुझे बोले, बात यही है। आप अपने स्टूडेंट को पूछ लो, आप जो क्लास में टीचर से उसको पूछ लो, ये बात इससे बार कोई बात नहीं। बच्चा झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कह सकता बच्चा झूठ। हमने बच्चे को भी बुलाया, जो पेरेंट्स आए थे हमने कहा था उनको, हम कोई भी क्लास का बच्चा आप रैंडमली चूज़ करो, रैंडमली। उन्होंने कहा हाँ हम चूज़ करेंगे, उन्होंने बच्चा बुलाया, बच्चे ने उनके सामने क्या बोला आप पेरेंट्स से भी पूछ लो कि बच्चा ने क्या कहा उनको कि बच्चे को कैसे मारा। उस बच्चे की वर्डिंग थी, कोटेड वर्डिंग थी कि सर ने मारा, स्मूथली मारा। अभी भी आप उनसे पूछ लो। और आप चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए आप प्रिंसिपल साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, मारने की अथॉरिटी है क्या? नहीं है, अभी मारो, मैं कह रहा हूँ उन्हें जैसे प्यार करते हैं, नहीं मैंने ऐसे किया और ऐसे किया, कान पकड़ना और अगर ऐसे करने को आप मारना कहोगे ना तो ये तो अगर डिसिप्लिन हमने मेंटेन करना है बच्चे को, हो सकता है हम थोड़ा डांटते भी हैं, आप बोलोगे डांटो भी नहीं, लेकिन उसकी बाजू कैसे टूट गई? वही बच्चे से पूछो ना आप, मैं कह रहा हूँ आप, वो तो मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो बच्चा देखेगा जो क्लास में बैठेगा वो झूठ देखेगा। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स जो कह रही हैं ना, जो क्लास में बच्चे ने देखा वो उसने गलत देखा। आप मेरे को जवाब दे दो, उन्होंने कहा रैंडमली बच्चा हम लाएंगे, मैंने कहा रैंडमली ले आओ, बच्चे झूठ बोलेगा? जो बच्चे पेपर चल रहे थे एट ए टाइम वहाँ पर उन्होंने देखा, वो ये भी बताएंगे कि प्रिंसिपल सर ने क्या किया। ये जो बाजू टूटने का होता है ना, ये बड़ा हंगामा होता है कि बाजू कैसे टूटती है, ऐसे नॉर्मल तो टूटती नहीं, आपको भी पता है बाजू ऐसे नहीं टूटती। ये एडिकेशन जो है वो बच्चा जो कह रहा है, देखिए हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो बच्चा कह रहा है, बच्चा जो कह रहा है, बच्चा कह रहा है पहले मेरी बाजू को बेंड किया गया, उसके बाद पंच किया यहाँ पे, जिसके बाद सुनो बात चलती है प्रूफ पे, आपको पता है एविडेंस पे, एविडेंस मेरी बात सुनो सर, अभी नहीं लगा, यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरी बिल्डिंग। नहीं नहीं पहले आप मेरी बात सुनो ना,
प्रूव एविडेंस कौन है वहाँ बच्चा? नहीं देखिए, एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पर लोगों के कितने सारे बच्चे आपके जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की? आपने स्कूल चलाने से पहले सीसीटीवी कैमरा की यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करवाने कैमरे हैं हमारे पास, अभी लगाए नहीं है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये स्कूल सारा सीबीएसई में चल रहा है, उसमें के लिए बाद में लगाएंगे जब पूरे रहते हैं। चार बजे भेज देंगे हमें घर। उस दिन मैडम नू सुबह बोल के गए हाँ कि मैडम बच्चा पा के आ रहा है कपड़े, तुहानू कोई दिक्कत है? कहिंदे नहीं, टेस्ट चल रहे ना, छोड़ो। तुसी बोल सकते हो ना कि तुसी लै जाओ बच्चे नू। इसकी क्लास टीचर को कॉल किया, ठीक है की है मेरी बात सुनो, लेकिन सर को नहीं पता था ये बात ही, सर ने जाके पूछा। लेकिन देखो ना, जब तक हम तक बात आएगी तो ये बात आगे चलती है ना, तब अंजलि मैम को मैं बाद में गई पूछी है ना, सर निकल रहे थे। मेरा आरती गुप्ता, आपसे क्या बात हुई थी? बात हो रही है सिंपल जो हुआ सर, वो कह रहे हैं आप क्लास में थे, मैं बोल रही हूँ मैं थी, लेकिन मैं 5 मिनट बाद गई। मैडम ये कह रहे हैं कि वो पांच मैडम कह रहे हैं कहीं दिए थे, तो प्रेजेंट टाइम में कौन था उस टाइम? मैम कहाँ, दूसरी मैडम कहाँ, कहाँ? तो बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। सर आप ढंग से तो बोलो, ठीक है बुलाते हैं उनको, बुला देते हैं। आपके पास, आपके पास शिकायत आई है? नहीं अभी मुझे कोई 10 मिनट हो गए है। क्या लगता है कि ये जो हुआ है और जो अखबार में छपा है और जो जिस तरीके से इस बच्चे की बाजू फ्रैक्चर हुई है, इसमें आरसपुर में गए थे आप? आरसपुर में गए? जी 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 जी। तो मुझे आज ही पता चला है, उन्होंने बताया फोन करके। किस लड़के ने बताया? मैंने मैं इसने फोन किया था मेरा। स्टूडेंट को, बच्चे को मारने वाले किसी भी अध्यापक, प्रिंसिपल या किसी भी ऐसे स्कूल के व्यक्ति पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो भी आगे कोई होगा, कोई नेक्स्ट निकलेगा फिर क्या है क्या है नहीं, इसमें जो भी होगा तो देखेंगे जो क्या नहीं। स्कूल चला रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं लेकिन रन नहीं है, चल नहीं रहे हैं, वो क्यों? सीसीटीवी चल रहे हैं अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग रेनोवेशन है। मैंने कहा हमने पहले रखे लगे हुए हैं, अब हमने उसको अपग्रेड करना है। अब आप पहले भी किसी पेरेंट से पूछोगे कि स्कूल अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, साल से ये हर एक चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हुए जा रही है, चलने चाहिए ना सर। अपग्रेड कर रहे हैं ना, जो पुराने वाले थे। कितना टाइम लगता है सर? सर टाइम लगता है ना, आप हर चीज़ों को टाइम लगता है, बिल्डिंग बनाना कोई छोटी बात। लोगों ने भी कैमरे लगवा रखे हैं, अपग्रेड करते कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट? एक दो वाली चीज़ें नहीं है ना कैमरे, कैमरे हमने एस्टिमेट लिया 40 कैमरे लगने हैं पूरे स्कूल में, अभी एस्टिमेशन बनी है। अगर जैसे ये अब ये जैसे ये चीज़ हुई है, ये क्राइम हुआ है, मैं क्राइम कहूँगा ऐसे क्योंकि बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है, तो ये चीज़ हुई है तो फिर इसका एविडेंस कौन है? मैडम कह रहे हैं मैं 5 मिनट के बाद आई, वहाँ 30 बच्चा है, 30 का 30 बच्चा एविडेंस है आपके सामने? 30 का 30 बच्चा एविडेंस हुआ मेरे सामने तो नहीं है। आपके सामने 30 बच्चा एविडेंस सामने कैसे होगा सर? जो देखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल बात हो रही है ये कि वो एविडेंस में काउंट होता नहीं होता। 30 बच्चा जो एट प्रेजेंट है, बुलाओ ना सर, बुलाओ बच्चे। सर 2 बजे छुट्टी हो गया, मैं 1:30 बजे थोड़ी आपके लिए रोकूंगा। मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा था 12 बजे, तो मैंने 12 बजे का वेट किया। हाँ उनसे बात माननी में जब मैं आया सुबह, जे सर ने हाथ खड़े कर दे, बोलता मैं तो आरुष को देखा भी नहीं, मैं गया ही नहीं, मैं तो देखा नहीं। झूठ मत बोलो, रिकॉर्डिंग है। आप इन्होंने मेरे को बोला कि आप कौन लगते हो, इसके रिलेटिव हो? मैंने बोला हाँ मैं इसका फूफा जी हूँ, बोल सकता हूँ? बोलता नहीं, इसको बाहर करो, मैं पेरेंट से बात करूंगा, मेरे पास वीडियो है यार, ऐसा क्या पागल हूँ क्या मैं? मेरा दोतरा तेरे घर पोतरा है ना, लिया एनी बाजू मैं तोड़नी है उसकी, मैं तोड़नी है उसकी बाजू, फिर मैं प्लान करांगी क्या आगे करना है, ठीक है? मेरे एक बेटी का एक बेटा है, आपने क्यों ऐसा किया? भाई पर होने से बात को दबाया नहीं जाता, ये आप किसी को बात करो ना, किसी को पूछो, मेरी बात सुनो, ये हाइपर होने से ना बात साफ नहीं होती कोई, ये राम से 4 बंदे बोलेंगे, मेरी बात दबेगी, इनकी बात दबेगी। आप बात नहीं, देखो आप बात नहीं सुनते हो, आप बात, यदि किसी को किसी का कान पकड़ लेना मारना हुआ तो ये मैंने, बच्चे को कौन मार गया फिर? ऊपर से भूत आ गया क्या?
किसी टीचर को बोला इसको दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, तभी बात क्लियर होगी। सबको बोले बारी बारी बोले, हम यहाँ वेट करने बैठे हैं आपका जवाब देने के लिए, ऐसे बात क्लियर नहीं होगा। पहले आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद बोले नहीं मैंने खलका सा कान पकड़ के ऐसे किया। ये मार रहे कान पकड़ना, मार रहे कान पकड़ना, मार रहे सर। इनके सामने बच्चे को इनके सामने बच्चे को लाया हमने क्लास से, जवाब इनसे गवाही ले लो, उसने क्या बोला आप इनसे पूछ लो, बच्चा आया ठीक नहीं। जिसके बच्चे होते हैं उसी को पता था माँ बाप को, ठीक है सर, इसमें कोई नहीं बोलेगा। हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे को लगी है तो हम बोलने का हकदार है, ठीक है। आपके ये आए, हमने बच्चा पेश किया इनकी मर्जी से, कोई भी बच्चा, उस बच्चे ने क्या गवाही दी इनसे पूछ लो, ठीक है ना। वो मैडम बोल रही है, आप मैडम बोल रही है कि मैडम पहले बोली मैं क्लासरूम में थी, उसके बाद बोली मैं क्लासरूम में गई थी, मैडम एब्सेंट थी, दूसरी टीचर, आप बुलाओ ना टीचर को उसको। इन्होंने कोई बच्चा बुलाया था जिस बच्चे के साथ बच्चा मैंने गया, ठीक है, बच्चे ने बोला गाल पे थप्पड़ लगा, जे वो लोग बाद में मुकर गए, बच्चे ने बोला तो गाल पे थप्पड़ मार, जे बोला उसने कहा स्मूथली मारा, इसने बोला नहीं आराम से मारा। हमें पता था ये बच्चा ठीक नहीं है, हमें पता ये बच्चा ठीक नहीं है, रोज सुबह एक पेड़ पड़ता है उसके बाद ये बैठ जाता है, ठीक है नहीं। सर मेरी बात सुनो, गाल में मारा, बाजू कैसे टूट गई, बच्चा कह रहा है गाल में मारा तो ये तो आप प्रूफ करोगे ना, हम थोड़ी कह रहा हूँ, हम प्रूफ कर रहे हैं ना, बच्चे कह रहा है अगर वो लाइटली मारा तो बाजू कैसे टूट सकती है उसकी। ये जो मेडिकल फिर बताओ ना किसने तोड़ी है, बाजू बताओ किसने तोड़ी है, तीन दिन आया मुझे इधर आए थे, मेरा दोस्त है एक दुनिया का हमारा बेटा है, इसने बाजू तोड़ी, कल संगी को दिखा, किसको पूछना, क्या बोलना हमने, ये को बात थोड़ी है। मैंने देखा नहीं, मैं तो रूम में गया ही नहीं था, आपके कहने आपसे कहने से क्या होगा, सिर्फ आप ही सच्चे हो, बाकी सारे झूठे हैं यार, आप ही सच्चे हो, आप झूठे, आप हो राम नहीं बोल करना, बच्चा हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाया। देखो वो आपकी मर्जी है, 400 बच्चा पढ़ता है, 8 साल से स्कूल चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई, ठीक है। इनसे बाप है, इनसे पूछो कि हमारे आके बोलते थे बच्चा कमजोर है, ये बाहर निकलता नहीं, डरता है, आप कर लो और आपसे पेनल्टी वसूल करवाएंगे, ठीक है, जो एक्ट होता है कानून में, मेरी बात कानून के कायदा में लिखा हुआ है, बच्चे को मारना अपराध है, समझ गए। मैं आज से नहीं हूँ, अरे आज से तो आईपीएस अफसर क्यों नहीं बना फिर, क्यों प्रिंसिपल है, ठीक है ना, मुझे क्या क्या पता, कुछ नहीं पता, चक मारा तू हमारे सामने बात करो, हमने जो एक्ट लगा है उसका अपराध और पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, भरो चलो बैठो उधर, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, जो भी हो रहा आपने 4 दिन 4 नाइट आप वसूल करोगे उसका, अरे तू पीछे जाओ, मैं गल कर रहा हूं, मैं कर रहा, गर्मी है कोई नहीं, चढ़ी है सब कंपास एक एक दो दो बच्चा है, हैं सर तक नहीं था, मैं 3 दिन होया हूं कुछ आके तक दे, 2 बजे मैं तो पहुंच गई हां, हैं ना दुनिया तो क्या मजे दा हड़े बच्चा बड़ा आराम से मरवाना है, 7 साल उधर पढ़िया, हड़े बच्चे नु कहने उन्नी भी दिया गल नहीं कीती, ਆਦੀ ਫਾਕੂ ਮੈਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਪੱਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ 3 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਭਾਜੂ ਤੋੜਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, झूठ बोलते पे ना सवेर दे चोक परसों दे चोक, तोड़ा काम ही एक बार आके कह देना कि हाँ बच्चे नु ही मारिया, अही इलाज करवाने आ,
बच्चा बीमार है। उस दिन क्यों नहीं किया यूनिफॉर्म के लिए? यूनिफॉर्म के लिए फोन करना था, फोन करना, नोटिस देना था कि भाई बच्चा कपड़ों में क्यों आया। आपकी बात सुनने सुबह से मैंने आपको अगर यही इन्होंने बोलिया सवेरे कि बच्चा कपड़े पा के आंदा पे है, कहते कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, मैडम बोलती है कि सानू कोई दिक्कत नहीं, तो बाद विच प्रिंसिपल उन्हें मार दे कि कपड़े क्यों पा के आया। मेरा बच्चा बोलता नहीं, मैडम बोलती है। मेरी बात सुनो, उसको वो रोज बोलता है मुझे बुखार है, हम भेजते हैं उसको घर, भेजते हैं। उसने मुझे बोला कि मैम मुझे लगी है या सर ने मुझे मारा, मुझे घर भेजो, मुझे चोट लगी है। उसने पेपर लिखा है मैम, वहाँ बैठ के पेपर लिखा, लेकिन रोते लिखा रोते। ये फॉर्म टीचर है, इनसे बात करो। थी सर, जैसे आए सर ने उनसे पूछा कि बच्चे आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए हो, ठीक है। वो बच्चा कुछ आगे से बोला नहीं, तो सिर्फ एक क्या हुआ, सिंपल सा हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैंने तब तक मैंने बीच में बोल दिया, मैंने कहा कि मेरे पापा का फ़ोन आया था, तो इन्होंने बोला कि इनको सफोकेशन होती है ट्राउज़र में, ट्राउज़र में वैसे सफोकेशन, चलो उनका मेडिकल इशू होगा। तो मैंने सिर्फ इतना बताया, सर कहते ठीक है, इनका ठीक है, कोई बात नहीं, वो चले गए। बस इतनी सी बात हुई। अब ये बोल रहे हैं कि सर ने बाजू मरोड़ा यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर कोई बॉक्सिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है। हमें भी पता है बच्चे प्यार से पढ़ाने होते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। बाजू का उसकी बाजू कैसे टूट गई मे भी हमें नहीं पता। हमने देखो उसके बाद क्या हुआ, उसने पूरा पेपर लिखा, मैं बताती हूँ आपको। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो झूठी तो नहीं हो सकती। अब उसने सारा पेपर लिखा, देन उसके बाद उसका मैथ्स का पेपर था, कहता मैम मैंने मैथ्स का काम नहीं उतारा होगा। तो मैंने दूसरे बच्चे की कॉपी ली और उसको बिठाया, मैं पूरा दिन उसी क्लास में रही हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे था तो प्रिपरेशन कराना पड़ता है। तो उसने सारा पेपर लिखा और एक बच्चा फिर कहने लगा मैम अभी एक बज गया तो काम टाइम हो गया, पापा को कॉल कर दो। पापा को हुआ तो पापा इसके आए फिर ले गए। बस इतनी सी बात हुई है, उसने पूरा काम लिखा है, कपड़े उतारे तो मैम उसने काम पूरा लिखा है। बच्चों के मौलिक अधिकार क्या है वो तो पता होगा आपको। मौलिक अधिकार देखो, वहाँ पे मैंने उसको बैठ के काम करवाया सारा। अगर उसे दिक्कत थी प्रिंसिपल को कपड़ों से दिक्कत थी तो ये सुबह फॉर्म टीचर बोल सकते थे ना कि भाई बच्चा घर ले जाओ, हमने नहीं बिठाना उसको। आप मुझे एक चीज बताइए, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, और आपकी स्टेटमेंट आपकी आपकी जुबान में और आपके दिमाग में। एक्चुअली हमने अपने घर में ऐसे ये ऊंचा शोर शराबा हमने देखा नहीं है, ठीक है। हमने ये ऊंचा इतनी ये आए मेरे से इतनी बदतमीजी से बात किया, मैं एक टीचर हूँ, इनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टीचर से बात की जाती है, बेशक आपके साथ जो भी हो, इनको है नहीं। अब एक मेल टीचर आते हैं, ये आते हैं और इतना चिल्लाकर जाते हैं, ठीक है। अभी भी देखो जिस माँ बाप के बच्चे की बच्चे का बाजू टूटा, बच्चे का बाजू मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, अगर वो चीज़ हुई नहीं है मैं कैसे कहूँगी वो चीज़ हो रही है। आपके सामने नहीं हुआ, मैं सिर्फ थप्पड़ मारा गया उसको जी, बस बस। फ्रैक्चर होता, दर्द नहीं होती उस टाइम, पूरी क्लास अटेंड किया वहाँ पे। आप सुनो, आप वहाँ पे देखना, इसने काम लिखा। ये मैडम बोल रही है सुबह मेरे को, आप चुप करो। जे मैडम बोल रही है कि जे आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लाए हैं, जे बाहर से लगे, जे सिविल के हैं, फर्जी फर्जी का ना, फर्जी डॉक्यूमेंट। आप किसको मानते हो? मैं ले जाऊंगा उधर ही आपको, ठीक है ना, बता रहा तमीज से बोल रहा हूँ। आपने क्या बोला था सुबह? आपने सुबह बोला जे फर्जी लेके आए हो, फर्जी है। इन्होंने कहा अपने बाहर से कराया, इन्होंने बच्चे को छुट्टी होती है, बच्चे को छुट्टी होती है। अब छुट्टी होने के टाइम तक बच्चा अगर वो गिर के उसको कहीं और लग जाती है वो स्कूल के ऊपर क्यों यहाँ पे लगा रही है, ठीक है। बाहर भी लग सकती है उसको। नहीं सर, एक लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बच्चे को फ्रैक्चर हुआ है, छेवीं क्लास का बच्चा फ्रैक्चर है, उसको दर्द नहीं होगी? वो पूरा दिन काम, पूरी क्लास अटेंड किया, अगले बच्चे ने पेपर दिया, बच्चे को पहले भी फीवर होता था, वो हर टीचर के पास जाता है, सर देखो मेरे को फीवर तो नहीं है। हम कहते थे इसके फादर से पूछो कि बच्चा थोड़ा, कहते थे कि बच्चा थोड़ा वीक है, ये सहम जाता बड़ी जल्दी। अब इस सहमने वाले बच्चे को हम कैसे डील करें? हम बाजू तोड़ के उसको डील करेंगे? ये तो ठीक है, फैमिली तो ठीक है, सीसीटीवी इंस्टॉल करना किसका काम सर? हमारे क्या देखो जानते कि मैं टीचर तो आ रही है, तो मैं क्या, वो कहता मामा मैंने प्रिंसिपल ने मारिया, उन्हें क्यों नहीं कहे और टीचर का ना लिया, बताओ और क्या टीचर का क्यों नहीं ना लिया? उन्हें क्या, वो मैडम पेपर लेने भी, वो मैडम आई मैंने मना ने कुछ नहीं किया, मैंने प्रिंसिपल ने मारे, उन्हें ना ही प्रिंसिपल का क्यों लिया? आओ आओ आओ।
जा ऐसे करके मारा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है जो कह रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने जो मैंने किया, आपने इसके कान पकड़ा था और यहाँ प्यार से ऐसे किया, मुझे पता था कि ये बच्चा बीमार है, इसको कहना नहीं कुछ भी, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे कल यूनिफॉर्म डाल के आना। बच्चा आपके सामने है और आप और बच्चे ने तो वही कहना जो घर वालों ने कहा, अब पूरे कर रहे हैं ठीक है। ऐसा बच्चा नहीं पूरे देखो नहीं, आप हमारे बच्चे नहीं हैं, आपको आप क्लास में भेजते आप पूछ लेते वहाँ जाकर, आप बच्चे नहीं है तो चीज़ है ना फ्रैक्चर ठीक है। यदि आप इसको कान पकड़ना और यहाँ मारने के लिए कहते हैं मारा, तो इसके लिए मैं सॉरी। बस स्कूल के प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने किया नहीं, लेकिन अगर बच्चा ये कह रहा है और ऐसा हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने सॉरी फील किया है उनकी फैमिली से। अब उसकी फैमिली से बात कर लेते हैं बच्चे की कि उसके परिवार जन क्या कह रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, स्कूल का स्टाफ भी कुछ यहाँ पर है जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने जो कहा वो सब भी आपको बता रहे हैं। और अब फैमिली क्या कहती है और इस बच्चे के पिता क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइए अब क्या बात हुई है, प्रिंसिपल जो हैं वो सॉरी फील कर रहे हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है कि पहले वो कह रहे हैं मैंने मारा नहीं है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो मैं फिर भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर माफ़ी मांगता तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम भी इसी फील्ड में 10 साल, मैं स्टेफन इंटरनेशनल स्कूल में 10 साल टीचर रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चे के साथ बात कैसे करते हैं या नहीं। तो अगर देखो ना, अगर सर ने नहीं मारा तो बच्चे को तकलीफ़ क्यों हुई? मैंने तो घर में नहीं मारा, जैसे ही उसको लेके गया वैसे ही इसका ट्रीटमेंट आर्ट्सपुरा में स्टार्ट हो गया। बातें तो दो ही हो सकती, जहाँ इन्होंने नहीं मारा जहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है। अब फैसला तो डॉक्टर ने किया ना, जिसने जो रिपोर्ट्स वगैरह सब बनाई हैं जहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह की है GMC वालों ने, GMC वालों झूठ तो नहीं बोल सकते, और हम उसको मार नहीं सकते इतना, कौन कौन बाप जहाँ माँ इतना मारेगी पहले जब तक। अब स्कूल के प्रिंसिपल ने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने कहा है कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूं अगर ऐसा है तो। अब क्या है आपका जो मामला पुलिस में आप दर्ज करवा रहे थे, अब मामला दर्ज करवा रहे हैं या कंप्रोमाइज़ हो चुका है? देखिए बात कंप्रोमाइज़ तक पहुंच चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी नहीं चाहते कि देखिए हमारा बच्चा भी जहाँ पढ़ता है और जहाँ ही पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हालात जहाँ तक पहुँचे कैसे। हम सुबह आए थे, हमने कोशिश की थी बात यहीं पे रफा दफा कर लें, सर ने अगर अभी माफ़ी मांग रहे सुबह हो जाता तो मुझे नहीं लगता जहाँ तक बात पहुँच जाती। ठीक है, मैं आपको कंट्रडिक्ट करना चाहूँगा, बच्चा यहीं पड़ेगा इसका मतलब ये हमारा एक सब करने का मतलब इनके पास पहुँचने का मतलब ये है कि जो टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं जो इनको पहले अपना अनुशासन डिसिप्लिन पता होना चाहिए, हमने बच्चे को हाथ लगाना कि नहीं है, पहले ये लॉ पढ़े कानून पढ़े। और ये बाय लॉ ये कह रहे हैं कि बच्चे की गवाही, 6-6 साल के बच्चे की गवाही कभी नहीं लगती है बाय लॉ, और ये बाय लॉ इनको पहले पढ़ना चाहिए बच्चे को मारना कि नहीं मारना, हाथ लगाना भी है कि नहीं है, बाय उनकी जो बॉडी है उसको कोई हामी जो नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारा ये कहने का जो भी स्कूल के इंचार्ज हैं इनके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इनका सबसे पहले इन जो टीचर्स हैं इनको कम से कम डिसिप्लिन समझाएं कि बच्चे को हाथ नहीं लगना चाहिए। डिसिप्लिन के तौर पर जो रेगुलेशंस रूल्स हैं उस हिसाब से बच्चे को आप स्ट्रिक्ट करो वो अलग चीज़ है। अब आप बाजू तोड़ोगे अगले बच्चे की, बच्चा कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। देखिए हम भी सारे जो हम पागल तो हैं नहीं, अपने काम छोड़ के यहाँ आए हैं और स्कूल पे आके हम ब्लेम कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे स्कूल पे, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है यहीं से अनुशासन ले रहा है। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर बच्चा यहाँ से घर पे गया, स्कूल से घर पे गया, उसके बाद ये 2 दिन से GMC में दौड़ रहे हैं, क्या उसका रीज़न है? क्या इन्होंने मारा अपने बच्चे को? एक एक बच्चा उनका तो ये मैं इनको ये हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि इनको ये थोड़ा चीज़ समझनी चाहिए। हम ये इनके रिक्वेस्ट ही करेंगे इनसे स्कूल से जो भी की एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन लोगों को प्लीज़ थोड़ा सा जो भी हैं चाहे प्रिंसिपल है या टीचर है या कोई भी है उनको थोड़ा सा अपने स्ट्रिक्ट रूल में भी ज़रूर रखना चाहिए बच्चे के साथ। स्कूल प्रशासन में और परिवार में अब ये समझौता हुआ है कि बच्चा यहाँ पढ़ेगा और बच्चे को आइंदा अगर ऐसी कोई बात होती है, यही कहना चाह रहे हैं आप ना, आइंदा अगर ऐसी कोई बात ना हो जिसमें बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना सामने ना आए और भी जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना किसी भी स्कूल से सामने ना आए, जो भी भारतीय कानून के तहत नियम बनाए गए हैं स्कूलों के लिए उन नियमों को फॉलो करना स्कूल प्रशासन का कर्तव्य है। अब देखना ये होगा कि इस कंप्रोमाइज़ के बाद इन लोगों का मामला आपस में सेटल होता है या नहीं। ये खबर जो हम आपको आरसपुरा से दिखा रहे थे, इस खबर में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है अब फैमिली का और स्कूल प्रशासन का आपस में समझौता हुआ है और स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगी है और परिवार ने स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल को माफ़ कर दिया है।
आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती या नहीं पहुंचाई जाती। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।